हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विनोद जांगड़ा, एक लेटेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ाएंगे। उसके बाद में सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से संबंधित हैं, पहले मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। उसके बाद में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो कि एनसीवीटी के सिलेबस के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और आने वाली परीक्षा के लिए आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये है आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किसी भी जॉब के बाहरी व्यास को मापने के लिए किया जाता है। और उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे एक रेंज लिखी हुई है 0 से 25। माइक्रोमीटर की रेंज 25-25 के गैप में आगे बढ़ती है। जैसे 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, इस रेंज में ये आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में इसका लिस्ट कोण देखिए, 0.01 mm की एक्यूरेसी में ये चेक करता है। अब ये भाग देख लेते हैं, ये एनविल फेस, तो ये आपकी क्या है, एनविल है, यह किसी जॉब को सहारा देता है, ठीक है। उसके बाद में आगे पीछे मूव करा, ये क्या है, स्पिंडल। उसके बाद में ये क्या है, लॉकिंग नट। जब रीडिंग एक्यूरेसी के साथ हमने ले ली है, उसके बाद उस रीडिंग को लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये आपकी स्लीव। स्लीव एक खोखली एक बैरल होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये जो स्पिंडल है ये आगे पीछे मूव कर रहा है। और स्लीव के ऊपर ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन लगी हुई है, इसको हम बोलते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन के ऊपर तो मिलीमीटर यानी 1 mm के निशान हैं और नीचे वाले कितने के हैं, 0.5 mm के, यानी 1/2 नीचे वाले भाग दिए हुए हैं, ठीक है ना। यानी इसके ऊपर जो भाग जो दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ऐसे ऐसे भाग है ना ये वाले, तो इनके बीच में ऐसे ऐसे ये 0.5 mm के नीचे वाले भाग रहेंगे। उसके बाद में ये थिम्बल है, ठीक है, जो आगे पीछे मूव कर रहा है। तो थिम्बल के टोटल भाग कितने होते हैं थिम्बल पे, तो ये देखिए यहाँ पे 45 और 45 के बाद आगे 0 है, तो 45 और 5 कितने हो जाएं, 50, यानी 50 भाग थिम्बल के होते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप का प्रयोग समान दबाव देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएंगे तो एक आवाज़ आएगी, जैसे 3-4 बार घुमाने के बाद में एक फरीसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये समान दबाव देता है किसी भी जॉब के ऊपर। और ये कौन सी धातु का बना होता है माइक्रोमीटर, ये आपका बना होता है इनवार स्टील का, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं, यह है आपका डिजिटल वर्नियर कैलिपर। आज के आधुनिक युग के अंदर डिजिटल माइक्रोमीटर का अधिक प्रयोग किया जाता है। इसका जो लिस्ट काउंट क्या रहेगा, 0.02 mm की एक्यूरेसी में ये चेक करता है। ये आपकी कौन सी जा है, ये दोनों आउटसाइड जा ऊपर वाली है, इनसाइड जा, और ये आपका डेप्थ गेज, ठीक है ना। और ये आपकी क्या है, मैन स्केल। और ये जो डिजिटल सिस्टम दिया हुआ है, ये पूरा देख लेते हैं कौन से बटन का क्या कार्य रहेगा। तो ऊपर देखिए ये बटन जो नज़र आ रहा है आपको नीले रंग का, ब्लू कलर का, इस बटन को प्रेस करने से यहाँ पे इंच और मिलीमीटर यानी मीट्रिक सिस्टम में दोनों में ये रीडिंग देता है। अब ये mm के निशान आ रहे हैं, तो किसके अंदर रीडिंग दे रहा है, मीट्रिक सिस्टम के अंदर ये आपको रीडिंग शो कर रहा है। उसके बाद में ये देखिए लॉक नट लगा हुआ है, यहाँ से लॉक कर सकते हैं रीडिंग लेने के बाद में। और ये एक डिस्प्ले लगी हुई है, ठीक है ना, स्क्रीन जो लगी हुई है इसके अंदर हमारी रीडिंग को ये शो करता है। उसके बाद में ये देखिए रीडिंग लेने के बाद में, या अगर हमें इसका यूज़ नहीं करना है तो यहाँ से ऑन और ऑफ़ का बटन दिया हुआ है पावर का। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे 0 सेटिंग, जैसे इस स्थान पे खुला हुआ है ना, जैसे इसके ऊपर जैसे मूव कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम स्टॉपेज करके अगर 0 वाला बटन दबा देते हैं तो यहाँ से आगे की रीडिंग लेना स्टार्ट कर देगा और यहाँ पे ये 0 ही रहेगा। और उसके बाद में ये स्केल मैंने आपको बता ही दिया है। अब उसके बाद में डेप्थ गेज है, डेप्थ गेज के पीछे ये देखिए यहाँ पे एक कट है। ये कट किस लिए दिया होता है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मान लीजिए कि जॉब है और जॉब के किनारे से हमें इसका वो साइज लेना है, अगर ये कट नहीं दिया होगा तो इस पॉइंट के ऊपर टिकेगा तो हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी।
तो इस कट की वजह से वो जो डेप्थ वार है वो कहाँ आएगी, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है ना, इसके पास। तो डेप्थ गेज में कट इसलिए दिया होता है कि कोना कई बार क्या होता है अंदर का उभरा हुआ होता है, उसकी वजह से ये मेजर लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो ये कौन सी धातु का बना होता है, ये निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, यानी अल्पमाप। बिल्कुल इजी तरीके से आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे वन स्केल डिवीजन इक्वल 0.5 mm डिवाइड बाई टोटल थिम्बल डिवीजन इक्वल 50 mm, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था जो स्लीव थी, ठीक है ना, जैसे एक ऐसे ऐसे नहीं थी क्या पीछे मैंने दिखाया था, और उसके बीच में एक लाइन थी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे निशान थे, ठीक है ना। उसके दो जो लाइन थी उसके बीच का जो भाग है, मैंने बताया था आधा mm तक, जब थिम्बल को जो घुमाते हैं हम जैसे, तो कितना चक्कर काटेगा वो, एक चक्कर काटेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, तो 0.5 mm ही वो आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो टोटल थिम्बल डिवीजन इक्वल बराबर कितना है, 50 mm। तो मैंने आपको थिम्बल के बारे में भी बताया था, ऐसा नहीं था एक थिम्बल, थोड़ा सा याद करवा रहा हूँ आपको ऐसे, तो उसमें कितने भाग थे, 50 भाग थे, तो 50 हो गया हमें, तो इक्वल, तो 0.5/500। तो ये जो जीरो पॉइंट था इसके अंदर, और मैंने इसमें पॉइंट नहीं लगाया है, अगर इस पॉइंट को हटा देते हैं तो यहाँ पे एक जीरो और बढ़ जाएगी। अगर हम इसको फाइव से अगर काटेंगे, इसको जैसे यहाँ से कट करेंगे, तो कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये सेम आ गई। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो हमारी रीडिंग कितनी आएगी, 0.01 आएगा। 0.01 का क्या मतलब है प्रिय विद्यार्थियों, यानी 1 mm, ठीक है ना, mm समझते हो ना आप, 1 mm यानी मिलीमीटर का ये सोमा भाग चेक करता है। अब ये 1 mm है ना, इसके 100 टुकड़े कर सकते हैं, छोटे छोटे अगर 100 टुकड़े करेंगे तो शायद हमारे जो बाल जो होता है ना, बाल की मोटाई जो होती है, ठीक है ना, उसका भी आधा भाग मान लीजिए, उतनी एक्यूरेसी होती है ये, जो बाल जो हमारा होता है सर का, उसका अगर आधा करेंगे ना, वो इतनी एक्यूरेसी है ये वाली, ठीक है ना। 1 mm के कितने टुकड़े कर दिए इसने, छोटे 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 100 टुकड़े कर दिए, तो वो ये रीडिंग आपकी रहेगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सिलेक्टेड रहेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। आउटसाइड माइक्रोमीटर की रेंज होती है, पहले भी मैंने क्वेश्चन ये करवा चुका हूँ, तो कितने राइट आंसर क्या रहेगा, सी 25 mm की रेंज में ये आगे बढ़ता है। उसके बाद में माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट निम्न में से होता है, तो अभी अभी मैं हमने चेक किया था, बताया भी था आपको, तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, सी रहेगा 0.01 mm। थिम्बल के एक डिवीजन का मान होता है, जैसे थिम्बल मैंने आपको बताया था ऐसे, और ये ऐसे और ऐसे, ये आपका थिम्बल था, उसमें कितने निशान थे, कितने निशान थे थिम्बल पे, 50 भाग थे ना, एक भाग का मान कितना था उसमें, कितना था, 0.01 mm। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी 1 mm का निशान था उस पे ना, सॉरी ये 0.01 mm। उसके बाद में है सलीव के एक छोटे डिवीजन का मान कितना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ये ऐसे और ऐसे, और ये आपका थिम्बल, और इसके अंदर एक डेटम लाइन थी ना, यहाँ पे उसमें छोटे भाग ऐसे ऐसे निशान थे, बड़े ऊपर थे, और इनके बीच में छोटे छोटे निशान और थे। तो ये छोटे वाला भाग पूछ रहा है कितने का है, तो कितने का था ये, 0.05 mm, यानी आधा mm। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए। माइक्रोमीटर के रेस स्टॉप का क्या कार्य होता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा, समान दबाव जो पर देना। अगला प्रश्न, माइक्रोमीटर कौन सी धातु का बना होता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी इनवार स्टील का ये बना होता है। यदि अगला ये प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, थोड़ा सा सोच के देखिए कि भी इसका आंसर क्या रहेगा। यदि माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल को आपस में मिलाने पर यदि सलीव की जीरो लाइन डेटम लाइन से पीछे रह जाती है, तो खालिस्तान त्रुटि क्या होगी,
तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ए रहेगा पॉजिटिव एरर रहेगा, धनात्मक त्रुटि रहेगी। कैसे रहेगी ये, अगर पीछे अगर रह जाती है हमारी डेटम लाइन से तो उसमें जुड़ता है, अगर आगे अगर वो लाइन चली जाती है तो क्या होता है उसमें माइनस होता है। अगला प्रश्न, वर्नियर कैलिपर कौन सी धातु का बना होता है, तो ये आपका बना होता है निकल क्रोमियम स्टील, तो राइट आंसर क्या रहेगा बी। अगला प्रश्न, वर्नियर कैलिपर कौन से भाग से जोब की गहराई का माप लिया जा सकता है, तो किससे ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर के द्वारा, डेप्थ गेज, तो राइट आंसर क्या रहेगा सी। वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर आप देखना दो स्केल होती है, दो स्केल के दो अनुरूप स्केल के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा सी, दो अनुरूप स्केल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर। तो ये है प्रिय विद्यार्थियों, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कैसे कैसे निकाला जाता है वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट। तो सबसे पहले वर्नियर कैलिपर के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो ये जो मैंने जो लिखा हुआ इसको बोलते हैं MSD मैन स्केल डिवीजन, ठीक है, और नीचे वाली कौन सी है VSD वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। तो MSD के कितने भाग होते हैं 49 और VSD के कितने होते हैं 50 भाग, ये आपको याद रखने हैं, और ये इक्वल है, तो अंतर कितने का है 1 mm का है, कितने का है 1 mm का। तो वो कैसे कैसे हैं 1 mm का, वो थोड़ा इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर क्या लिखा है, द मैन स्केल इज ए डिवाइड इंटू द मिलीमीटर टेकिंग 49 पार्ट्स, इट इज ए डिवाइड इंटू द 50 पार्ट्स ऑन द वर्नियर स्केल्स, ठीक है ना। तो इसने बताया कि 49 और VSD के कितने हैं 50, तो MSD 1 mm और VSD कितना है इक्वल 1 × 49 = 49 mm, ठीक है। उसके बाद में डिवाइड इंटू टू 50 पार्ट्स, ठीक है ना, तो टोटल जो VSD के कितने भाग हैं 50 लाइनें लगी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर कंप्लीट। उसके बाद में वन, ये देखिए यहाँ पे 1 VSD बराबर है, ठीक है ना, इक्वल है 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल 49 डिवाइड 50, ठीक है ना, 49 × 1/50, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी 1 mm का जो अंतर है वो कितना आ जाएगा 49 / 50। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि सेम ही चीज़ है, ये देखिए यहाँ पे 49 है और यहाँ पे 50 है, सीधा भी कर सकते हो आप, 49/50 mm कर दिया ना। उसके बाद में ये आपका इस चीज़ पे आ जाइए, इसको सही करना है थोड़ा, आप ये देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, ये इसके ऊपर कंप्लीट लिख दिया है यहाँ पे, ये देखिए सेम ऐसे ले लीजिए। उसके बाद में देखिए 1 MSD - 1 VSD, ये लिखना जो बहुत ही ज़रूरी है, तो कैसे करना है, 1 - का निशान देखिए कहाँ लगा हुआ है, 49/50 इक्वल उसके बाद में 50 - 49/50, अगर इसका लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है, 1/50 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर क्या रहेगा 0.02 मिलीमीटर, ठीक है, काफ़ी इजी तरीके से आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ही कंप्लीट, यहाँ पे ही हमारा आंसर निकल जाता है इस स्थान पे ही, 49 VSD 50, इसको डिवाइड कर देंगे ऐसे ऐसे करके ये निकाल देंगे। अगर प्रिय विद्यार्थियों ये मैंने आपको पूरा करवा दिया है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें, साथ ही बेल आइकॉन के भी बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।